नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पप्पू यादव को मिली जमानत लेकिन जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जानिए क्या है मामला। फतुहा में प्लास्टिक फिटिंग्स की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ, 1000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार ने की हिंदी से भी सम्मान की घोषणा, इन 15 विभूतियों को किया जाएगा पुरस्कृत। सुशासन का सिस्टम देखिए, 1542 रुपये के लिए नीतीश कुमार के सामने जनता दरबार में रोने लगे बुजुर्ग। फिर बिगड़ी तेज प्रताप यादव की तबीयत, सांस लेने में दिक्कत, हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। बिहार में चमकी बुखार का कहर, मुजफ्फरपुर SKMCH में 10 बच्चों की मौत, 5 साल की सलोनी ने तोड़ा दम। महंगाई के खिलाफ लगातार दूसरे दिन राजद का पूरे बिहार में आंदोलन, कार्यकर्ताओं के संग सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव। न्यायिक हिरासत में अस्पताल में इलाज करा रहे पप्पू यादव को जमानत मिली है, लेकिन वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पप्पू यादव को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। दरअसल पप्पू यादव को पटना के एक मामले में जमानत मिली है। पटना के गर्दनीबाग थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। उनके खिलाफ बिना सरकारी अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाना का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पप्पू यादव ने पटना कोर्ट में बेल देने की गुहार लगाई थी। पटना के सब जज 14 अमलेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आज इस मामले में जाप सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने पप्पू यादव को बेल देने के साथ साथ हिदायत भी दी है। कोर्ट ने पप्पू यादव को हिदायत दी है कि आगे से वे ऐसा काम नहीं करेंगे, सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी है। कोर्ट में पप्पू यादव का पक्ष रखने वाले वकील पांडे संजय सहाय ने बताया कि प्रशासन ने पप्पू यादव पर गर्दनीबाग इलाके में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा डालने की प्राथमिकता दर्ज कराया था। वैसे इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद पप्पू यादव जेल से नहीं छूटेंगे। पप्पू यादव अपहरण के मामले में जेल गए हैं, जिससे उन्हें जमानत नहीं मिली है। गौरतलब है कि पप्पू यादव को अपहरण के 32 साल पुराने मामले में जेल भेजा गया है। फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक टैंक एवं पाइप की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। नवनिर्मित संयंत्र साईनाथ पॉलीमर के उद्घाटन के मौके पर कंपनी के चेयरमैन पवन पालड़ेवाल भी मौजूद रहे। बिहार के औद्योगिक विकास की राह में हर रोज नए कदम बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में उद्योग का अच्छा माहौल बना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को फतवा इंडस्ट्रियल एरिया में CPVC फिटिंग्स, UPVC फिटिंग्स, एग्रीकल्चर फिटिंग्स व अन्य तरह के प्लास्टिक पाइप्स की नई और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ किया। फतवा इंडस्ट्रियल एरिया में साईनाथ पॉलीमर्स की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सोमवार को बिहार सरकार ने हिंदी से भी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत 15 विभूतियों के नामों की घोषणा कर दी है। अपनी लेखनी के दम पर देश दुनिया में हिंदी भाषा का परचम लहराने वाले 15 हस्तियों को सरकार सम्मानित करेगी। सृजनात्मक हिंदी लेखन के लिए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इन्हें 3 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। सोमवार को बिहार सरकार ने हिंदी से भी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत 15 विभूतियों के नामों की घोषणा कर दी है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, डॉक्टर अशोक कुमार के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार, मृणाल पांडे को जननायक कारपुरी ठाकुर पुरस्कार, सुशील टॉक भोरे को BP मंडल पुरस्कार, कवि सत्यनारायण को नागार्जुन पुरस्कार, रामश्रेष्ठ दीवाना को राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार, जाबिर हुसैन को फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार, डॉक्टर पूनम सिंह को महादेवी वर्मा पुरस्कार, केरल की बंजा बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा। सुशासन के सिस्टम की कलई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में ही खुल गई। सरकार से 1542 रुपये के सेटलमेंट के लिए सालों से जद्दोजहद करके हार चुके एक बुजुर्ग व्यक्ति जनता दरबार में पहुंचे। नीतीश कुमार को अपना पीड़ा बताते हुए वे रोने लगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने सीएम से कहा कि हुजूर, ऐसा सिस्टम बनाइए
कि मेरे जैसे किसी और आदमी को इतनी पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। जी हाँ, नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर आए थे। उनका बिजली विभाग से 1542 रुपए के सेटलमेंट का मामला सालों से लटका हुआ है। अपनी पीड़ा बताते हुए बुजुर्ग फरियादी फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बिजली विभाग ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर त्रस्त कर दिया है। विभाग के हर अधिकारी के पास उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है। हार कर उन्होंने 1542 रुपये के लिए मुख्यमंत्री के पास आना पड़ा। बुजुर्ग ने बताया कि वे बिजली कंपनी के MD के पास जाकर भी गुहार लगा आए हैं, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बुजुर्ग फरियादी की शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के सचिव को फोन लगाया। आनन फानन में बुजुर्ग फरियादी का मामला सॉल्व किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। तेज प्रताप को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्हें इलाज के लिए आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया है। बीते सोमवार को दोपहर में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट से राजद विधायक तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ गई। करीबी सूत्रों की माने तो तेज प्रताप को फिर से सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उनके आवास पर जांच के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर तेज प्रताप का इलाज कर रहे हैं। गौरतलब हो कि इस महीने की शुरुआत में भी तेज प्रताप यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बीते 6 जुलाई की देर शाम तेज प्रताप यादव की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई थी। तब बड़े भाई की तबीयत अचानक खराब होने की सूचना मिलते ही छोटे भाई तेजस्वी आनंद फानन में उनसे मिलने पहुंचे थे। बिहार के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर से चमकी बुखार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में अब तक 10 बच्चों की मौत हो गई है। रविवार को चमकी बुखार से पीड़ित 5 साल की सलोनी भी जिंदगी से जंग हार गई। सलोनी की सांसें टूट गई। SKMCH में भर्ती 3 अन्य बच्चों में भी चमकी बुखार की पुष्टि की गई है। रविवार को जिस बच्चे की मौत हुई है उसका नाम सलोनी है। वह महज 5 साल की थी। मोतिहारी जिले के पकरीदयाल अनुमंडल के मझोलिया की रहने वाली सलोनी को SKMCH के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि सलोनी को ACS से पीड़ित होने का संदेह था। इससे पहले 15 जुलाई को सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड का इसिका कुमारी नाम की 2.5 साल की बच्ची की चमकी बुखार से मौत हो गई थी। इसिका को 14 जुलाई को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। हालांकि डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सकी। उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे एक निजी अस्पताल से SKMCH रेफर कर दिया गया था। महंगाई के खिलाफ राजद लगातार दूसरे दिन यानी कि बीते सोमवार को सड़क पर उतरकर विरोध जता रही है। रविवार को सभी प्रखंडों में व्यापक प्रदर्शन करने के बाद सोमवार को RJD सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की। इस दौरान पटना में भी राजद नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आंदोलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हिस्सा लिए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राज्य के सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का दावा किया है। इस दौरान कई जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी है। वहीं राजधानी पटना में भी राजद के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। राजद के झंडे और पोस्टर सड़कों पर भरे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ राजद कार्यकर्ता साइकिल मार्च करते हुए पटना की सड़कों पर निकलेंगे। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के आसमान छूते कीमतों के विरोध में किए जा रहे इस आंदोलन की शुरुआत बतवा विधायक रामानंद यादव के आवास से की गई, जहां से कार्यकर्ता मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित किया और सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उनके साथ तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने साल 2022 के मैट्रिक एग्जाम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड ने बताया है कि क्लास 9वीं के वो स्टूडेंट जो अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड ने फिर से रजिस्ट्रेशन के अभियान शुरू किया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार बोर्ड ने आगे कहा है कि नियमित कोटे के स्टूडेंट को जहां रजिस्ट्रेशन के लिए 220 रुपए का शुल्क चुकाना होगा, वहीं स्वतंत्र कोटे के छात्र को रजिस्ट्रेशन के लिए 320 रुपए जमा करना पड़ेगा। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी कि SHSB ने अपने आधिकारिक पोर्टल statehealthsocietybihar.org पर सहायक नर्स मिडवाइफरी
की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। एएनएम भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है और 21 जुलाई को समाप्त होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एएनएम के पद के लिए कुल 8,853 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। एएनएम के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास एएनएम में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर 24 से 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान पटना, गया, नालंदा, भागलपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को सुबह से ही पटना समेत लगभग 19 जिलों में बारिश का माहौल बना हुआ है। आसमान में बादल की वजह से हवाएं थोड़ी ठंड है और तापमान भी काफी राहत देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर पर एक ट्रफ रेखा पंजाब से हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण झारखंड, बंगाल होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण 0.9 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इससे मौसम में बदलाव हो रहा है। बारिश का पूरा माहौल तैयार हो गया है। इसके अलावा 24 घंटे से अधिक आर्द्रता, नमी से उमस भरी गर्मी हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को भी अधिकतर स्थानों पर यही हाल होगा। इस तरह का मौसम बारिश के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो जाता है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।